और अब बारी है मिस्सी रोटी पालक वाली बनाने की। तो भाई मिस्सी रोटी रोटी तो रोटी है, लेकिन मिस्सी रोटी की बात ही कुछ अलग है। अब बेसन के साथ में जब रोटी बनती है उसमें प्याज हरी मिर्च धनिया वनिया डाल के बड़ा मज़ा आता है, और अब पालक के साथ में उसको बना दिया जाए तो एकदम जैसे पालक पराठा, और नहीं नहीं बड़ा अलग ही टेस्ट, और उसको जब तंदूरी स्टाइल में बनाया जाए तो और भी मज़ा। तो चलिए बनाते हैं मिस्सी रोटी और पालक के साथ में। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट है वो है प्याज, और प्याज भी बहुत बारीक नहीं कटा हुआ होना चाहिए इसके लिए। खैर जो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स है ना वो भी बड़ी ज़रूरी होती है, कई बार हम एकदम इवन चाहते हैं, कई बार थोड़ा सा अनइवन, उससे क्या होता है कि काफ़ी उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। तो ये जैसे अगर आप दाल वाल में तड़का लगा रहे हैं तो उसमें अनइवन कटिंग जो है ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग टेस्ट आते हैं। अच्छा, इसको गूंदने के लिए ये हमारे पास बेसन, और बेसन में अगर थोड़ा सा गेहूं का आटा मिल जाए तो बढ़िया बन जाते हैं, आसानी से बन जाती है। और फिर इसके अंदर क्या करना है, थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च, इसमें नमक, थोड़ा चाट मसाला, हल्दी, और फिर ये सब चीज़ें ज़रा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें और क्या पड़ेगा, इसके अंदर पड़ेगा पालक, ये जो पालक है पालक के पत्तों को ब्लांच करके फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है, और पीसने के बाद ये इसमें थोड़ा सा तेल, और तेल डालने के बाद इसमें पानी डाल के, जी हाँ पानी जितना पड़े, इसको गूंद लेना है। इसका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा आपने सख्त नहीं गूंदना, क्योंकि जब आप तंदूर में कुछ रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको आप थोड़ा सॉफ्ट रखें, और इसमें चाहें तो थोड़ा आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। और अब ये लीजिए, ये इसके लिए ये ले लेते हैं, ये पेड़े बना लेते हैं इसके, ये लीजिए ये पेड़े हमारी मिस्सी रोटी के लिए, और ये लीजिए ये आ गया थोड़ा सा तेल। तो क्या करना है, सीधे हाथ पे तो लगाया तेल, जो पेड़े के ऊपर, ये पेड़े के ऊपर, और दूसरे हाथ पे पानी। इससे क्या होता है जब तंदूर पे चिपकाते हैं ना तो ये पानी इधर लगता है, और जब आप तंदूर पे चिपकाते हैं तो ये हल्का सा गीला होता है यहाँ पर, इसीलिए वो चिपक जाता है। तो चाहे आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो या तंदूर में बना रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखें, और ये गीला वाला जो है इसको इधर, और ये लीजिए। भाई ये जो रोटी है ना ये बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि अगर ये आपने रेसिपी मिस कर दी तो मिस्सी रोटी कैसे बनेगी। बैड जोक, नेवर माइंड। ये लिया, तंदूरी रोटी तंदूर में, पुराने ज़माने में अब गर्मियों की धूप में कम्युनिटी तंदूर होते थे तो लगाए जा सकते थे, लेकिन अब इच्छा तो करती है। अब रेस्टोरेंट में बात अलग है, लेकिन घर में अगर बनानी पड़े तो इच्छा तो करती है, लेकिन कई बार प्रेशर कुकर में बना देते हैं। पुराने ज़माने में घी तेल के टिन पे बनाए जाते थे, लेकिन अब गैस अवन तंदूर जैसी जो चीज़ें हैं उसके अंदर बनाया जा सकता है। थोड़ा सा इसे और हेल्दी बना लिया, थोड़ा और अलग कर दिया, और पालक मिक्स कर दिया तो एकदम बढ़िया बन गई। हाँ, इसको बनाएं क्रिस्प, और सूखी रखनी है सूखी रखें, मक्खन लगाना है मक्खन लगाएं, कैसे भी करना है, लेकिन टेस्टी डो होना चाहिए। डो टेस्टी होगा रोटी भी टेस्टी होगी। वाह, ये लीजिए ये जो अब हमारी रोटियां हैं मज़ेदार, ये सिक गई, ये हमने सेक ली। अब लगा देते हैं थोड़ा सा मक्खन, मक्खन वाली रोटी, मक्खन वाली मिस्सी रोटी। मज़ा तो इसी में ही आएगा ना जब मक्खन लगेगा। ये जो है
अब हमने इस पे लगा दिया और ये हमारी मिस्सी रोटी हो गई तैयार। और इसको गर्मा गर्म सर्व करने की तैयारी। ये लीजिए, आ जाइए, रोटी तैयार है। तो चलिए खाने की टेबल पे आ जाइए।